जिस तरह आग, हवा, पानी और मिट्टी अपनी औकात में आ जाती है ना, तो पूरी दुनिया के लोगों को तबाह व बर्बाद कर देती है। इन द सेम वे जब इंसान के अंदर ईर्ष्या आ जाती है ना, तो वो खुद को तबाह व बर्बाद कर लेता है। तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो हिंदी का चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ ना, वो हमारी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, हमारी ज़िंदगी से संबंधित है ये चैप्टर। आप इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में एक ना एक बार ज़रूर अनुभव किए होंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम तो पढ़िए, ईर्ष्या यानी कि जलन। तू ना गई मेरे मन से, यानी कि ईर्ष्या जो है किसी भी इंसान के मन से नहीं जाती है, हर इंसान के अंदर ईर्ष्या यानी कि जलन होती है। ठीक है, तो ईर्ष्या के बारे में आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए, इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण बातें बताई गई है जो कि आप लोगों के आने वाले ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित होगा। तो इसीलिए आप लोग इस चैप्टर को ये सोचकर मत पढ़िएगा कि मुझे एग्ज़ाम देना है और इसीलिए मैं इस चैप्टर को पढ़ रहा हूँ या फिर पढ़ रही हूँ। नहीं, आप लोगों को इस चैप्टर को ये सोचकर पढ़ना है कि ये जो चैप्टर है हमारे आने वाली ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित होने वाला है। इसमें जो भी बातें बताई गई है, जो पूरा चैप्टर है, ये हमारे आने वाले समय के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होने वाला है। आने वाले समय के लिए क्या पता नहीं, आप आज इस चैप्टर को पढ़े और कल ही आप लोगों का ये चैप्टर काम आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इस चैप्टर के जो लेखक है ना, वो है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जो है वो ईर्ष्या के ऊपर जो है ऐसे यानी कि निबंध लिखे हैं, मतलब ईर्ष्या के बारे में पूरी चर्चा इस चैप्टर में किए हैं और बहुत ही यूज़फुल बातें बताए हैं जो हमारी ज़िंदगी में देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए जो रामधारी सिंह दिनकर है ना, इस चैप्टर की शुरुआत में लिखे हैं कि मेरे घर के बगल में एक वकील रहता है, मेरे घर के बगल में एक वकील रहता है जिसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं। उसके पास खाने पीने की कुछ कमी नहीं है, दोस्तों को भी खूब खिलाता पिलाता है, मतलब बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार है, अच्छा पैसा कमा लेता है। उसके बाद से उनकी जो पत्नी है सुख सुविधाएं देने वाली है, मृदुभाषिणी है यानी कि मीठी मीठी बातें करती हैं, तो भला एक सुखी व्यक्ति के लिए और क्या चाहिए। लेकिन फिर भी वकील साहब जो है ना, वो सुखी नहीं है, वो खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके घर के बगल में जो है ना एक बीमा एजेंट है। बीमा एजेंट मतलब समझते हैं ना, वो इंसान जो दूसरों का बीमा करवाता हो, बीमा एजेंट आप समझ सकते हैं LIC करवा दो, LIC का एजेंट हो। ठीक है, तो वकील साहब के घर के बगल में एक बीमा एजेंट है जो कि लोगों को बीमा करवाता है और वो अच्छा खासा पैसा कमा लेता है, और उसके बाद से उसके पास एक मोटर है। तो ये सारी चीज़ें ना वकील साहब से नहीं देखी जा रही है। ठीक है, और वकील साहब सोच रहे हैं, मतलब उनके अंदर दिल, वकील साहब जो है ना उनके दिल में दाह आ गया है कि आखिर वो बीमा एजेंट है वो इतना क्यों कमा रहा है, उसके पास इतनी सारी चीज़ें हैं, काश उसका सारा तड़क भड़क मेरा होता, उसका सारा मोटर मेरा होता, वो जितना भी पैसा कमाता है, जो भी उसका मंथली इनकम आता है, वो सारा चीज़ मेरा होता। उनके अंदर मतलब उनके दिल के अंदर दाह आ गई है कि आखिर वो क्यों इतना तरक्की कर रहा है। ठीक है, अब वो इसी चिंता में मतलब डूबे हुए हैं कि काश वो सारा चीज़ मेरे पास होता, उसके पास क्यों है। और यहीं पर ईर्ष्या की शुरुआत जो है ना चिंता से ही होती है, और चिंता को लोग चिता भी कहते हैं, यानी कि जिस इंसान के अंदर चिंता आ जाती है ना, जिस इंसान के अंदर चिंता आ जाती है वो इंसान की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि हमेशा वो चिंता में ही डूबा रहेगा, अपना सारा काम छोड़कर सिर्फ चिंता में डूबा रहेगा। और यही वकील साहब के साथ हुआ है, वो चिंता में डूबे रह रहे हैं कि वो जो बीमा एजेंट है वो इतना क्यों तरक्की कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ईर्ष्या जो है ना एक अनोखा वरदान है। ईर्ष्या क्या है? एक अनोखा वरदान है, क्योंकि जिस भी इंसान के अंदर ईर्ष्या अपना घर बना लेती है, जिस भी इंसान के हृदय यानी कि दिल में ईर्ष्या जो है अपना जगह बना लेती है, वो इंसान उन चीज़ों से, उन वस्तुओं से कभी लाभ नहीं उठाता, उन चीज़ों से कभी भी सुखी नहीं होता, खुश नहीं होता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से, उन चीज़ों से वो दुखी होता है, उन वस्तुओं से वो दुख उठाता है जो दूसरों के पास मौजूद है। भगवान ने, अल्लाह ने उसके पास जो कुछ भी दिया है उससे वो खुश नहीं रहेगा, बल्कि चिंता करेगा, दुखी होगा जो दूसरों के पास मौजूद है, उन चीज़ों को देखकर वो दुखी मतलब दुख रहेगा, हमेशा दुख में ही डूबा रहेगा और चिंता में ही डूबा रहेगा कि वो उसके पास वो चीज़ें क्यों मौजूद है, काश वो मेरे पास रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ईर्ष्या जो है ना, ईर्ष्या का काम ही है जलाना। सबसे पहले जिस इंसान के अंदर ईर्ष्या आती है ना, सबसे पहले वो जलता है, वो बर्बाद होता है, तब वो दूसरों को मतलब बर्बाद करना शुरू करता है। ठीक है, जैसे कि कोई इंसान है, ठीक है, वो दूसरों का तरक्की देख रहा है कि वो इंसान जो है कितना तरक्की कर रहा है, उसके पास ये सारी चीज़ें हैं। अब जो है इसके अंदर ईर्ष्या आ जाती है, ईर्ष्या आती है तो ये चिंता करने लगता है। सबसे पहले चिंता आती है कि आखिर वो इतना तरक्की क्यों कर रहा है, उसके पास ये सारी चीज़ें क्यों हैं।
सबसे पहले ये चिंता कर करके इंसान जो है ना अपने आप को बर्बाद करेगा, सारा काम छोड़कर ज़्यादा टाइम जो है ना चिंता में ही लगाए, यही सोचने में लगाएगा कि वो इंसान क्यों तरक्की कर रहा है। ठीक है, तो देखिए इंसान सबसे पहले अपने आप को बर्बाद करता है, खुद को जलाता है और तब सोचता है कि उसको कैसे बर्बाद करें, वो नहीं तरक्की करना चाहिए। अब उसको बर्बाद करने के लिए, वो सारी चीज़ें लेने के लिए वो नई नई तरकीबें लगाना शुरू कर देता है और किसी भी तरह दूसरों को छाती पहुँचाता है, यानी कि दूसरों को हानि पहुँचाता है। ठीक है, यहाँ तक कि वो मर्डर करने पर भी मजबूर हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो पूरी तरीके से ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है, यानी कि जिस इंसान के अंदर पूरी तरीके से ईर्ष्या अपना घर बना लेती है ना, उसका चरित्र ही भयंकर हो जाता है। वो खतरनाक ही सोचेगा और उसका काम ही होगा, जो श्रेष्ठ कर्तव्य होगा ना, उसका काम ही होगा दूसरों को हानि पहुँचाना, दूसरों को बर्बाद करना। अब देखिए, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम है निंदा। ईर्ष्या की शुरुआत चिंता से होती है। इंसान चिंता में डूबा रहता है कि आखिर वो इंसान क्यों इतना तरक्की कर रहा है। अपने आप को बर्बाद करके अब वो निंदा शुरू करता है। निंदा यानी कि बुराई। देखता है कि वो इंसान तरक्की कर रहा है और उसके पास ये सारी चीज़ें हैं, तो उसको हासिल करने के लिए और उस इंसान का लेवल गिराने के लिए वो समाज में उसकी बुराई करने लगता है। देखता है कि उस इंसान से रिलेटेड, उस इंसान से संबंधित कितने लोग हैं और सभी लोगों के पास जाकर उसके खिलाफ भड़काऊ बातें करता है, समाज के लोगों से जो है ना उस इंसान की बुराई करता है, ताकि उस इंसान का जो है लेवल यानी कि असर नीचे गिर जाए, क्योंकि वो जानता है कि वो तो उसकी बराबरी कर सकता है नहीं, इसलिए उसका लेवल गिराने की कोशिश करने लगता है और अपनी बराबरी का जिस तरह वो बर्बाद हुआ है उसी तरह दूसरों को भी बर्बाद करने में लग जाता है। लेकिन ध्यान में रखिएगा, ये आज तक ऐसा ना हुआ है और ना ही होगा कि किसी इंसान की निंदा करके, किसी इंसान की बुराई कर उसका लेवल गिरा दो, उसका स्तर गिरा दो, ऐसा आज तक नहीं हुआ है। वो इंसान जो है अपने हुनर और अपने काबिलियत की वजह से, अपने मेहनत की वजह से वो तरक्की कर रहा है ना, तो आप उस इंसान की लाख समाज में क्यों ना बुराई कर ले, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। हाँ, समाज के लोग जो है वो थोड़े देर के लिए उस इंसान से नाराज़ होंगे, क्योंकि आप जो है समाज के लोगों से बुराई की है ना, तो इंसान भले ही समाज के लोग जो है उस इंसान से भले ही मतलब थोड़े देर के लिए नाराज़ होंगे, लेकिन उस इंसान पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो जो इंसान है अपने हुनर की वजह से, अपने मेहनत की वजह से वो तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो उसका कभी भी लेवल नीचे नहीं गिर सकता है। आप चाहे समाज में कितना भी उस इंसान की बुराई क्यों ना कर ले, लाखों क्यों ना बुराई कर ले, उसका लेवल कभी नहीं नीचे गिरेगा। हाँ, उसका लेवल यानी कि स्तर तब नीचे गिर सकता है जब उस इंसान के अंदर से वो हुनर, वो काबिलियत, उसके अंदर जो गुण है जिसके वजह से वो तरक्की कर रहा था, वो ख़त्म हो जाए, तब वो अपने आप से ही नीचे गिर जाएगा। किसी को गिराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी को बुराई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब उसके अंदर से वो हुनर जो उस जिसके वजह से वो तरक्की कर रहा था, कामयाब हो रहा था, वो हुनर ही ख़त्म हो जाए, वो सद्गुण ही ख़त्म हो जाए, तो वो अपने आप ही नीचे गिर जाएगा उस। और हाँ, अगर उस इंसान के अंदर घमंड आ गया ना, तो घमंड की वजह से भी उसका स्तर यानि कि लेवल नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं आप लोगों को दुनिया की सबसे बड़ी सीख दे रही हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आप लोग अपनी ज़िंदगी में चाहे कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना बन जाए, इस दुनिया का कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना बन जाए, आप लोग अपने अंदर 1% भी घमंड मत रखिएगा, क्योंकि घमंड एक ऐसी चीज़ होती है ना, जिस इंसान के अंदर घमंड आ जाती है वो इंसान अपनी पाई हुई चीज़ को भी खो देता है। सारे लोगों को मैं देखी हूँ कि मतलब वो कुछ बन क्या जाते हैं, कोई अच्छे पोस्ट पर क्या चले जाते हैं, या फिर मतलब उनको कुछ अचीवमेंट क्या मिल जाती है, वो अपने आप पर घमंड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। आप दुनिया का कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना बन जाए, आप लोग अपने अंदर 1% भी घमंड मत रखिएगा, क्योंकि जिस दिन आप अपने अंदर घमंड ला देंगे ना, तो घमंड से अहंकार होता है, घमंड से अहंकार आता है, और अहंकार से इंसान खुद को विनाश कर लेता है। ठीक है, याद रखिएगा, घमंड में आकर जो है ना आप कुछ भी कर सकते हैं, घमंड से ही अहंकार आता है और अहंकार से ही इंसान खुद का विनाश कर लेता है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस चैप्टर में ये भी बताया गया है कि ईर्ष्या का हमें फ़ायदा भी होता है, ईर्ष्या से हम लोग को फ़ायदा भी होता है, और ये सच है। डिपेंड करता है आप पर कि आप किस तरह की ईर्ष्या कर रहे हैं। अगर आप ईर्ष्या कंपटीशन की भावना से कर रहे हैं, ठीक है, प्रतिस्पर्धा के भाव से कर रहे हैं, तो ईर्ष्या जो है आपको सफल बना देती है, विकसित कर देती है, आप सक्सेस हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपको ईर्ष्या से फ़ायदा होता है। लेकिन अगर आप ईर्ष्या जो है ना बदले की भावना से या फिर दाह की भावना से, जलन की भावना से अगर ईर्ष्या कर रहे हैं ना, तो वो ईर्ष्या आपको खतरनाक बना देती है, भयंकर बना देती है, आपका चरित्र ही भयंकर हो जाता है। तो ईर्ष्या करना जो है ना आपके ऊपर है, आप किस तरह की ईर्ष्या कर रहे हैं। तो आप लोगों को किस तरह की ईर्ष्या करना है, कंपटीशन की भावना से कंपटीशन कीजिए, ठीक है, तभी आप लोग जो है ना विकसित होंगे, ये सबसे बड़ी चीज़ है। देखिए, आप लोगों के बुक में भी लिखा है कि रसेल के मतानुसार, यानी कि रसेल ने कहा है कि जो नेपोलियन है, नेपोलियन को आप लोग जानते ही होंगे, हिस्ट्री में पढ़ने को मिलता है, तो नेपोलियन जो है वो कंपटीशन किया था सीजर से,
और सीजर सिकंदर से, सिकंदर जो है वो हरक्यूलिस से, और वो जो हरक्यूलिस से कभी पैदा ही नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये कंपटीशन जो है ना कभी कभी आप जो है ना इंसान को सफल भी बना देती है। ठीक है, अब देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा भोले भाले और शरीफ होते हैं, और वो सोचते हैं कि वो इंसान जो है मुझसे क्यों जलन कर रहा है, जैसे कि मैं ही हूँ, मुझसे कोई जलन कर रहा है तो आखिर मैं अपने अंदर कमी ढूंढूंगी ना, कि आखिर मेरे में क्या कमी है कि जो वो इंसान जो है मुझसे जलन कर रहा है, मुझसे ईर्ष्या कर रहा है और मेरी जो है ना वो चारों तरफ बुराई कर रहा है। तो कुछ शरीफ लोग होते हैं जो कि ये सोचते हैं, वो अपने आप में ही कमी ढूंढते हैं कि वो इंसान जो है क्यों मेरी बुराई कर रहा है, आखिर मैंने उसको कभी कुछ कहा नहीं, उसका कुछ मैंने बिगाड़ा नहीं, लेकिन फिर भी वो मेरी बुराई क्यों कर रहा है, चारों तरफ मेरी निंदा क्यों कर रहा है, मुझसे इतना क्यों जल रहा है। ठीक है, तो ये लोग जो है क्यों लोग क्यों ईर्ष्या करने लगते हैं, इसका जवाब जो है ना ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने दिया है अपने अनुभव के आधार पर, कि तुम्हारी निंदा वही करेगा, यानी कि तुम्हारी बुराई वही करेगा जिसकी तुमने कभी भलाई की हो। तुम्हारी निंदा यानी कि तुम्हारी बुराई वही करेगा जिसकी तुमने कभी भलाई की हो। ठीक है, ये कौन बताए थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, आगे बढ़िए, नीत्से। नीत्से जो थे ना वो मतलब इसी ईर्ष्या से होकर गुजरे थे, लोग जो है ना कुछ कोई था जो कि नीत्से से ईर्ष्या किया था, जलन किया था, उसकी खूब बुराई की थी, तो नीत्से जो है ना वो इस ईर्ष्या से बाहर निकल कर आकर बोले कि भाई ये ईर्ष्यालु जो व्यक्ति होते हैं ना वो एकदम मक्खी के समान होते हैं, बाजार में जो मक्खियाँ भिनकती है ना बिल्कुल उसी तरह होते हैं ये ईर्ष्यालु व्यक्ति। और फिर आखिर में नीत्से जो है ना अपने अनुभव के आधार पर निचोड़ निकाल कर बताएं कि आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं, यानी कि जिस इंसान के अंदर जो गुण महान होता है जिसके वजह से वो तरक्की करता है, जो गुण यानी कि जो क्वालिटी होती है ना उस इंसान के अंदर, उन्हीं के चलते लोग उससे जलते हैं। कौन बताए थे, नीत्से बताए थे अपने अनुभव के आधार पर और सारा निचोड़ निकाल कर, कि आदमी में जो गुण महान होता है यानी कि इंसान के अंदर जो क्वालिटी होती है ना जिसके वजह से वो तरक्की करता है, उसी क्वालिटी उसी गुण के वजह से लोग जो है ना उससे जलते हैं। ठीक है, कोई इंसान जो है अच्छा गा रहा है, मतलब अच्छा गाना गा रहा है, तो अच्छा गाना गाने की वजह से वो फेमस हो रहा है तो लोग कुछ लोग जो है ईर्ष्या करेंगे, किसके वजह से, उसके गाने की वजह से, क्यों वो अच्छा गा रहा है। तो जिस इंसान के अंदर जो क्वालिटी होती है ना गुण, अच्छा गुण जिसकी वजह से वो तरक्की करता है, उसी मतलब उसी से जो है ना लोग सबसे ज़्यादा जलते हैं। अब देखिए ईर्ष्यालु व्यक्ति से बचने का क्या उपाय है। जो इंसान पूरी तरीके से ईर्ष्यालु बन चुका है, जो कि हमेशा दूसरों को देखकर ईर्ष्या करता है और हमेशा दूसरों को हानि ही पहुँचाने की कोशिश करता है, उस इंसान से हम लोग कैसे बचे, ईर्ष्यालु व्यक्ति से कैसे बचे कि वो हमारी बुराई ना करे। तो देखिए यहाँ पर नीत्से ही बताए हैं पूरा निचोड़ निकाल कर, कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। यानी कि ये जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं ना जो हमेशा ईर्ष्या करते रहते हैं, वो एक तरह से बाजार की मक्खियां हैं, और इन बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो यानी कि शांति की ओर भागो। जो मतलब महान व्यक्ति होता है ना इन बाजार की मक्खियों यानी कि इन ईर्ष्यालु व्यक्तियों पर ध्यान नहीं देता, ये जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है वो कुछ भी करे उन पर ध्यान मत दो, आप अपने काम पर फोकस करो, अपने हुनर अपने मेहनत पर फोकस करो। ठीक है, आप अपना सिर्फ एकांत में चले जाओ, शांति में चले जाओ, कुछ मतलब कोई ऐसा जगह ढूंढ लो जहां पर कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति ना हो, ये बाजार की मक्खियां नहीं हो, और वहां पर जाकर अपना काम पर सिर्फ ध्यान दो। ठीक है, तब जो है हम लोग ईर्ष्यालु व्यक्ति से बच सकते हैं। तो ये तो हो गया ईर्ष्यालु व्यक्ति से बचने का उपाय, अब हम लोग खुद ईर्ष्या से कैसे बचेंगे, हम लोग कैसे मतलब क्या करें कि जिसकी वजह से हमारे अंदर ईर्ष्या ना आए, हमारे अंदर जो है ईर्ष्या घर ना बनाए, हम खुद ईर्ष्यालु व्यक्ति ना बने। तो देखिए इसका भी बचने का उपाय है, ईर्ष्या से बचने का उपाय है मानसिक अनुशासन, अपने जो मानसिक है दिमाग है उसको अनुशासन में रखिए, मानसिक अनुशासन। ठीक है, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, और वो फालतू बातें नहीं सोचिए जो कि आप जिससे आपको फ़ायदा ही नहीं है, वो सारी चीज़ें आप लोग सोचना ही नहीं है। मानसिक को अपने दिमाग जो है वो अनुशासन में रखिए, हमेशा कंट्रोल में रखिए, वो चीज़ें नहीं सोचने दीजिए या फिर उन बातों पर ध्यान मत देने दीजिए या फिर उन चीज़ों को मत सोचने दीजिए अपने माइंड को जो कि फालतू हो। ठीक है, अपने माइंड को अनुशासन में रखिए, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। और जब भी आप लोग के अंदर ईर्ष्या है ना तो ईर्ष्या को अपने अंदर से कंट्रोल कीजिए। ठीक है, तो इस तरह जो है आप ईर्ष्या से बच सकते हैं और इस तरह आपके अंदर जो है ईर्ष्या जो है ना वो कम हो जाएगी। और जब आप लोगों के अंदर ईर्ष्या है ना तो ईर्ष्या कंपटीशन की भावना से कीजिए ताकि आपको ईर्ष्या से फ़ायदा हो। तो इस तरह जो है आप लोग ईर्ष्या से बच भी सकते हैं और उसके साथ साथ ईर्ष्या से आप लोग सफल भी हो सकते हैं, विकसित भी हो सकते हैं।
ठीक है। तो ये था आप लोगों का पूरा चैप्टर। कोई भी कंफ्यूजन हो इस चैप्टर से रिलेटेड आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों को जो कुछ भी समझाई समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और उसके बाद से सबसे ज़्यादा आप लोगों को शेयर करना है अपने पड़ोसियों अपने दोस्तों के पास, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। सब्सक्राइब कर लेने के बाद आप लोग को बेल आइकन यानी कि घंटी दिखाई देगी, उसको दबा लेंगे। उसको जब दबाएंगे ना तो आप लोग को ऑल का ऑप्शन आएगा, तो ऑल पर क्लिक कर लेना है। उससे होगा ये कि मेरी रोज आने वाली ऑल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।